देखिए देखिए, तो आप लोग भी चाहे ना तो इस तो मैं बना सकते मेरा जैसा। नया स्टॉमेंट बना रहा हूँ मैं, तो आप लोग अगर स्टॉमेंट बनाना है ना तो आ जाइए। देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ है, स्टॉमेंट बन रहा है। ये देखिए इसको लगा दू यहाँ पर, हो गया स्नोमैन। कितना फ्रेश बर्फ है, मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए मैं बर्फ उठाऊंगा, बहुत एकदम पाउडर की तरह स्नो है, एकदम सॉफ्ट है, एक दूसरे को हम खेल सकते हैं सर। दोस्तों बर्फ में ना जैसा मैं करता हूँ आप लोग एक बार जरूर करना, देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मस्त है दादा, बड़ा बड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मेरा पूरा पैर धस जा रहा है। धस जा रहा है पूरा पूरा कितना धस गया देखिए पूरा चप्पल बूट नीचे बर्फ के नीचे चला गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोगों का फिर से स्वागत है एनएस सिक्किम ब्लॉग में। तो आज आपका 1 मार्च 2024, फिर हम निकल चुके हैं नॉर्थ सिक्किम की तरफ। आप मेरा पीछे देख सकते हैं, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। आप लोग से सरोज दा का फैमिली एंड दोस्त लोगों से मिलाता हूँ, जो कि आज हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम। सरोज दा, यो, कल आप लोग को पिकअप करके लेके आया और टूर अभी स्टार्ट हुआ जस्ट, तो अभी ठीक ठाक लग रहा होगा। बढ़िया बढ़िया, आप लोग भी आ जाइए भैया के साथ, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं और भी करेंगे। पूरा फ्रेंडली है, आ जाइए दादा को बुक कर लीजिए। थैंक यू। तो अभी आप लोगों को पूरा 3 दिन का टूर का अपडेट देता हूँ दोस्तों। तो पूरा नॉर्थ सिक्किम का दौरा 3 दिन का टूर होने वाला है आज से, आज 1 से 3 तारीख तक। सरोज दा, हम लोग भी दादा के साथ पूरा मस्ती करेंगे, आप लोग भी देखिएगा, और आप लोग को करने के लिए यहाँ पर आना होगा दादा के साथ। अभी तकरीबन 2:30 बज रहा है, हम लोग सुबह 10:30 बजे निकले थे गैंगटॉक से। अभी हम लोग ये मंगन क्रॉस करके सिंगिक बोल की जगह है, यहाँ पे हम लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है ये सिंगिक बोल के सिंगिक सिंधाम सिक्किम। अभी हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे, लंच का ब्रेक। तो चलिए क्या क्या खाने को मिलता है आप दिखाते हैं आप लोगों। और एक बात, यहाँ पर आप आकर रुक भी सकते हैं, होम स्टे बहुत अच्छा, और होम स्टे का भी थोड़ा आप लोगों रूम्स का भी मैं मतलब रूम का भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग का अभी हम लोग सुबह निकले थे 10:30 बजे, तो अभी यहाँ पर लंच टाइम है, तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या दादा लोग खा रहे हैं। सरोज दा, क्या क्या है? चिकन है, पापड़ है, दाल है, सब्जी है। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा रूम है तो बहुत सुंदर है, आप लोग न्यू मैरिड हो, कपल्स हो, तो ऐसा सुंदर जगह में टाइम बिताना चाहते हो तो आ जाओ। और आकर जो है ना यहाँ से भैया कंचनजंगा, आज तो नहीं दिख रहा है लेकिन भैया वेदर थोड़ा क्लियर आज ख़राब है, नहीं तो ना यहाँ से जो गोल्डन कलर का कंचनजंगा दिखता है ना। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम लोग कल 1 तारीख को आके इधर रुके, आज सुबह सुबह निकल गया, आज 2 तारीख है, हम लोग यूमथांग वैली की तरफ। तो आप लोग नज़ारा देखिए कितना बर्फ़ है रास्ते के बगल में, दोनों तरफ बर्फ़ का चट्टानी चट्टाने, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम लोग कुछ ही देर में यूमथांग वैली पहुँच जाएंगे, और यूमथांग वैली का आज परमिट दिया है, यूमथांग वैली खुल गया, लेकिन 0 पॉइंट अभी भी बंद है आज की डेट में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सलाम, फिर से स्वागत है एनएस सिक्किम ब्लॉग में। तो आज हम मतलब ये जहाँ पर हम आ गए इसका नाम है फुनी वैली। तो दोस्तों आप लोग भी निकल पड़ो घर से, इसलिए अगर आप लोग को एक बार तो फुनी वैली का विजिट करना चाहिए दोस्तों। मैं दोस्त को बोलूँगा थोड़ा व्यू दिखा देने के लिए, आप लोग ज़रा सा व्यू देखिए फुनी वैली का। अरे आप लोग कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, फुनी वैली आ जाएंगे ना तो स्विट्जरलैंड फेल है दोस्तों। आज आपका 2 मार्च 2024 का ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ही के दिन यूमथांग खुला है। देखिए बोलना
दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यूमथांग जा रहे हैं फुनी वैली होकर। देखिए कितना बर्फ है रास्ते में। सौरज दास से तो मैं पहले भी मिला है आप लोग को, जब हम नौसिखी पर स्टार्ट किए थे। तो फिर से सौरज दास, सौरज दास आप एक बार बोलिए जगह के बारे में, कैसा लग रहा है जगह? अरे यार क्या बोलूं, आप लोग आइए यहाँ पर, ये जन्नत है जन्नत। अरे क्या स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, क्या बैंकॉक जा रहे हैं, आप लोग आइए सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम आइए। नॉर्थ नहीं पड़ेगा, उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आप सिक्किम में आइए, आदमी का मजा फुल टू मिल जाएगा। आने के बाद नजरुल दास से आपका जो है एनएच यूट्यूब ब्लॉग, एनएच सिक्किम ब्लॉग, एनएच सिक्किम ब्लॉग, उसमें देखिए दादा का व्यू, देखिए दादा का साइट देखिए और दादा का नंबर लीजिए, दादा के साथ आइए, बहुत मस्ती होगा। दोस्तों आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे हो ना, हॉट स्प्रिंग है यहाँ पर। तो अगर आप 10 मिनट वॉक करोगे तो आप हॉट स्प्रिंग देख सकते हो, ये यूमथांग वैली में पड़ता है। हाँ चलिए थोड़ा हॉट स्प्रिंग का जो व्यू है थोड़ा दिखाता हूँ। इतना बर्फ है आप देखिए, ये हॉट स्प्रिंग बोलते हैं इसको, यूमथांग वैली के पास हॉट स्प्रिंग। तो बहुत ज़्यादा बर्फ है, मेरा पीछे आप देख ही पा रहे हो, ये मेरा नीचे आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए वहाँ पे एक ब्रिज है बहुत सुंदर, तो ब्रिज का थोड़ा इंतजार करा था, हॉट स्प्रिंग में मैं नहीं जाऊँगा लेकिन ब्रिज तक मैं जरूर जाऊँगा। तो ये आपका यूमथांग वैली वैली का रिवर है, इसका नाम है लाचुंगचू। तो आप देख पा रहे हो ये एक तिस्टा का एक सोर्स ऑफ तिस्टा है, एक पार्ट है जो कि तिस्टा नदी बनता है। तो देखिए आप बर्फ कितना है, तो यही से ही तिस्टा रिवर निकलता है, 0 पॉइंट से निकलता है, लेकिन 0 पॉइंट में तो छोटा है, अभी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखिए पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है। अब देख पा रहे होंगे ये जो फ्लैग उड़ रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है। ये ब्रिज से मैं ले रहा हूँ, देखिए मेरा पीछे पूरा ब्रिज है, झूलना ब्रिज है। दोस्तों अगर आप लोगों को बर्फ में ऐसा नहीं करोगे ना तो कैसा होगा ऐसा करने का, इंजॉय करने का। बहुत मजा आने वाला है भैया। तो आप लोग भी ऐसा एंजॉय करना चाहते हो ना, आ जाओ नॉर्थ सिक्किम। थक गए तो अभी मैं पूरा प्यास लग गया, तो मैं अभी यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक है मेरे पास, तो आप देख पा रहे हो ये जो है एनर्जी ड्रिंक है, कोई अल्कोहल नहीं है, ये एनर्जी ड्रिंक है। अब अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एनर्जी ड्रिंक। तो मैं वैसे दारू नहीं पीता हूँ, कुछ दिन जो वीडियो बनाया था वो बस वीडियो पर्पस के लिए बनाया था। तो आप लोग भी आ रहे हो तो थोड़ा बर्फ़ खेल के थक जाओगे तो कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर लेके आना। वैसे भी यहाँ पे मिलता भी है चाय कॉफ़ी मोमो और उसके बाद दारू, तो आप लोग पी सकते हैं, पीकर बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा यूमथांग वैली का रोड है, हम यूमथांग वैली पहुंच चुके हैं। देखिए तो आज आपका 2 मार्च 2024, तो हम आ गए यूमथांग वैली। देखिए यूमथांग वैली 0 किलोमीटर, शिव मंदिर थोड़ा आगे है, उसके बाद 0 पॉइंट पड़ता है, लेकिन 0 पॉइंट रास्ता बंद है, 0 पॉइंट आज नहीं हुआ, हम लोग कटाव जाएंगे। तो आप लोग देखिए यूमथांग वैली पूरा वैली का आपको दीदार करा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यूमथांग वैली में, आप लोग आ जाइए यूमथांग वैली। ये देखिए यूमथांग वैली बहुत सुंदर है, बहुत बर्फ़ है। और यूमथांग वैली से पीछे का आपको दिखाता हूँ, जो कि यहाँ से लाचुंग है 23 किलोमीटर एंड गैंगटोक है आपका 140 किलोमीटर। हेलो दोस्तों आप लोगों का वेलकम है यूमथांग वैली से, यूमथांग वैली में सबका स्वागत है। ये आप मेरा पीछे से देख पा रहे हो यूमथांग वैली है। तो आज आपका 2 मार्च, हम यूमथांग आ गए 2 मार्च 2024। तो आज का अपडेट यही है कि
युमथांग तक रास्ता खुला है, जीरो पॉइंट बंद है और युमथांग भी आज ही खुला है। तो जीरो पॉइंट भाई पुलिस वालों से पूछा, आर्मी वालों से, कि अभी और दो तीन दिन लगेगा, रास्ता का सफाई चल रहा है, जेसीबी साफ कर रहा है, तो हम लोग एक दो दिन में जीरो पॉइंट भी खुल जाएगा, तो आप लोग उसका अपडेट देता हूँ। युमथांग वैली में आप लोग का स्वागत है सरोजदा। कैसा है जगह, कैसा है? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है युमथांग वैली। स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। एकदम एकदम पूरा जन्नत 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 जन्नत। बर्फ से खेला हो रहा है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, बहुत मजा है यहाँ पर, आ जाइए एक बार। और कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा। हाँ তো একটু বাংলা তো বলে দেয়, আমার যে বাঙালি দর্শক বৃন্দ আছে ওরা। তো আমরা বাঙালি আছি কিন্তু আমি একটু হিন্দি বলতে পারি একটু, তো ওই জন্য দাদার জন্য বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, দাদার হেল্পটা হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আপলোগ ইয়ে পেয়ার কা নিশান দেখ পা রে না, কিতনা বড় ঘুস ঘুস কে যা রে হ্যায় দাদা লোক, আগে তক পুরা ঘুস যা রে দেখি। বুট তো আপ লোগ কো ইয়া পে ফুল মস্তি কর রে দাদা লোক, तो आप लोग को भी ऐसा मस्ती करना है ना, तो आ जाइए युमथांग वैली। दारुण दारुण একটা জায়গা, দারুণ লোকেশন, প্রচুর বরফ, আসতে পারে, প্রচুর এনজয় করতে পারবে। থ্যাংক ইউ ব্রাদার। गाइस तो हम लोग आज फाइनली युमथांग जाकर आया, साथ में सरोजदा एंड सरोजदा का भाई, हम लोग का सब आरेजन भाई চলে আসো। হ্যালো, ও জুতার বড় ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, জুতার বড় ঢুকে পড়ছে। যাচ্ছি যাচ্ছি এখন সবাই আমরা এনজয়ের মুখে। হ্যাঁ সরোজদা, আপনারা তো আমাকে ইউটিউব থ্রুতে বুকিং করলেন, একদম। তো আমার সাথে দু তিন দিন হলো ঘুরে কেমন লাগছে? দুর্দান্ত দুর্দান্ত। হবে না কোন রকম কোন কম্প্রোমাইজ নেই, কোন রকম কোন প্রবলেম নেই। আপনারা প্রত্যেককে বলবো যারা দাদার ভিডিও দেখছেন, দাদার সাথে দাদার সাথে যোগাযোগ করে দাদার ফোন নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করে আপনারা চলে আসুন। থাকা খাওয়া অসম অসম, তো এক কথায় অসম। আর কোনো কমপ্লেন নেই। আর যে জায়গায় আপনাদের ভালো লাগছে আমি তারা করছি কিনা, একদম যেখানে বলবেন দাদা দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা এটাই দেখিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে, আমি দেখে বুক করেছি, আপনারাও দেখুন, আপনারাও দেখে বুক করুন দাদাকে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমি তো মনে করি সিকিমের মধ্যে যদি কেউ ট্যুর করে, নাম্বার ওয়ান ট্যুর হচ্ছে আমাদের নজরুল দা। দেখুন একবার আসুন, বারবার আসার ইচ্ছা হবে। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ সবাইকে। মানুষ ব্যবহার খোঁজে আর এটার ব্যবহার হচ্ছে একদম অমাই। আর কিছু বল। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। বহুত সুন্দর ইমথাং ভ্যালি। তো আপ লোক, मैंने है मेरा YouTube चैनल पर, तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कर दीजिएगा, प्यार देते रहिएगा, और मेरे NH सिक्किम ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो हर दिन सिक्किम का अपडेट देते रहता हूँ। तो और एक बात है कि आप लोग ये लाचुंग आप वन नाइट भी कर सकते हैं, आप पहले टू नाइट करना कंपलसरी था, अभी आप वन नाइट भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। चलिए NH सिक्किम ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ आज का अपडेट।